फ़ोन आया है, ये हमारे पास रेडमी का 7 मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि इसका टच नहीं काम कर रहा, पूरा फूटा हुआ है, बहुत ख़राब तरीके से पूरा डैमेज है। इसको पूरा हमको रिपेयर करना है। अब कैसे रिपेयर करेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में पूरा जानेंगे। तो सबसे पहली बात क्या, रेडमी 7 जो मोबाइल फ़ोन आया, तो सबसे पहले इस फ़ोन को खोलना होता है। खोलने के लिए दोस्तों ध्यान देना, तो पहले आप देखोगे तो ये क्या लगा हुआ है, आपका कांच है, पीछे देखोगे तो ये क्या है, प्लास्टिक है। जब प्लास्टिक होता है तो आपको कोई ऐसा नहीं कि मतलब अगर थोड़ा सा ताकत लगा दोगे तो टूट जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक है ना, तो टूटने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से खोलेंगे। सबसे पहली बात, आप मोबाइल फ़ोन का बैक पैनल खोलेंगे। क्या करेंगे, बैक पैनल खोलेंगे। बैक पैनल कैसे खोलेंगे, पहले बैक पैनल का जो पीछे का हिस्सा होता है, ये पीछे के हिस्सों का क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे। जैसे आप हीट हो जाएगा, तो हीट होने के बाद फिर हमारा फ्री हो जाएगा। तो हम लोग इसको खोलने के लिए पहले, खुसरो भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये ब्लेड्स के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लास्टिक जो पीछे का बैक होता है उसको लूज करेंगे ऐसे। जैसे हल्का सा लूज हो जाता है तो हल्का सा ग्लू रिमूवर का यूज करेंगे। आप ग्लू रिमूवर जैसे हल्का सा डालेंगे तो देखिए वो ढीला हो जाएगा, और देखो है खुलने लगा। अगर आप ताकत लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप अगर ग्लू रिमूवर हल्का सा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखो ढीला होता जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग कार्ड का यूज करेंगे। ये प्लास्टिक के कार्ड है, प्लास्टिक के कार्ड के माध्यम से हम लोग इसके प्लास्टिक को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको ताकत नहीं लगाना होता है, देखो जहाँ पर आपका फंसता जाए वहीं पर हल्का सा इसको ले लो। आप जैसे डालोगे अंदर जाएगा तो ये ढीला हो जाएगा, क्योंकि इस ग्लू रिमूवर का काम होता है ग्लू को काटना। क्या काम होता है, ग्लू को काटना। देखो हम लोग इसको आसानी के साथ में ऐसे खोल लेंगे। ये देखिए हमारा खुल गया है, और ये नीचे हमारा फिंगरप्रिंट का पत्ता लगा हुआ है। तो आप लोग इसमें ताकत नहीं लगाएंगे, वरना फिंगरप्रिंट का पत्ता जो पीछे है वो नीचे से टूट जाएगा। अब इसको खोलने के बाद आप क्या करेंगे, सारे नीचे के स्क्रू ओपन करेंगे। ये वीडियो हम जो आपको बना के देते हैं बिल्कुल फ्रेशर न्यू स्टूडेंट के लिए है, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में जो काम कर रहे हैं उनको। सबसे पहले कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो मोबाइल फ़ोन को सेफ्टी से खोलना होता है। अगर वो मोबाइल फ़ोन को सेफ्टी से खोलेंगे नहीं तो मोबाइल फ़ोन क्या होगा, खोलने में ही ख़राब हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि फ़ोन को सही तरीके से ओपन कैसे करेंगे, उसे डालना है, डिस्प्ले बदलना है, कॉम्बो बदलना है, किस तरीके से आप उसको रिपेयर करेंगे। अगर आप इसमें ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा।
ये आपका फिंगरप्रिंट अलग हो गया है। ये पीछे का बैक लगा हुआ है। अब आप सबसे पहले बैटरी हटाएंगे जिससे मोबाइल फ़ोन की सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मेन पत्ता सब पत्ता लिखा हुआ है, तो ये नीचे का UI के लिए दिया हुआ है। ये आपका LCD का बेल्ट पत्ता दिया हुआ है। आपने LCD बेल्ट पत्ते को ओपन कर लिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे का UI खोलना है। जब नीचे का UI खोलेंगे तो नीचे का बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन खोलते समय आपको अब ध्यान रखना है कि आप जब भी स्क्रू खोलेंगे तो नीचे दबाव नहीं देंगे, या तो नीचे फोम रख लेंगे या तो हाथ में रख करके मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा ओपन करें, क्योंकि नीचे अगर दबाव पड़ जाएगा तो हमारा कॉम्बो को टूटने के चांसेज और बढ़ जाते हैं। क्योंकि ग्लास का आइटम होता है, ग्लास के आइटम में अगर हल्के से भी आप अगर ताकत लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रैक मार जाएगा। कई बार ऐसे होते हैं जो नए लोग होते हैं वो ग्लास में स्क्रू लगाते लगाते ही मोबाइल फ़ोन को ख़राब कर देते हैं। उसको सबसे बड़ा रीज़न क्या रहता है कि वो स्क्रू में ताकत लगा देते हैं, तो स्क्रू या तो ज़बरदस्ती डिस्प्ले में घुस जाता है जा करके, या नीचे से दबाव लग जाता है। तो दबाव लगने से क्या होता है, उसका स्क्रीन के अंदर लाइनिंग आ जाती है, क्रैक पन आ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस UI को ओपन कर लेंगे। पीछे का रिंगर की डब्बी लगी हुई है, इसे आप आसानी के साथ में खोल लेंगे। स्क्रू अगर लगे होते हैं तो इसको और ओपन कर देंगे। ये ग्लू के माध्यम से चिपकी होती है, इसको आप ऐसे करके आसानी से खोल लेंगे। ये देखिए, ये खुलने के बाद आपका डिस्प्ले का पत्ता ये खुल चुका है। इसका टच का पत्ता नहीं दिया हुआ है, हो सकता है पीछे की तरफ हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले खोलेंगे। इसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, कॉम्बो को चारों तरफ से ढीला करना है। ढीला करने के अगर नहीं होता तो हम लोग थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। हीट करने से क्या होता है, जो इसका ग्लू पिघल जाता है, और उसके बाद हम लोग इस प्लास्टिक के लेयर से हम लोग इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे, ये आपका कॉम्बो लगा हुआ है। और कभी भी डायरेक्टली इसको नहीं डालेंगे, और इसको ऐसे ले लेंगे। इसके माध्यम से आप इसको ऐसे चारों तरफ से ढीला कर लेंगे। अगर हल्का सा जैसे ही आप ये ग्लू रिमूवर लगा करके जब आप खोलते हो तो ये तुरंत ये क्या करता है, ढीला कर देता है, और बिल्कुल जो ग्लू होता है ना उस ग्लू को काट देता है। देखिए अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे ग्लू लगा हुआ है, अब ग्लू रिमूवर का आप देखिएगा, ऐसा देखिएगा जैसे इसको लेंगे और हल्का सा इस पर लगाएंगे, देखना ऐसा लगेगा जैसे ब्लेड की तरह काटता है। देखो तो हम जैसे इसको हल्का सा टच करते तो अपने में से ग्लू कटता हुआ चला जाता, तो हमको ताकत नहीं लगानी पड़ती। और क्योंकि चिपका हुआ कॉम्बो होता है, जैसे ही लोग ताकत लगाते हैं तो फट से क्या हो जाता है, वो कट जाता है। देखिए यहाँ पर चिपका हुआ है, बस यहीं पर आपको ताकत नहीं लगाना। आपको क्या करना है, बस खाली इसको लेना है। देखो लगाते ही वो उसको क्या कर देता है, वो काट देता है। देखिए ये आपका पूरा बाहर निकल के आ गया। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए टच का पत्ता लगा हुआ है, तो टच इसका वर्क नहीं कर रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉक को खोलेंगे। लॉक खोलने के बाद चिमटी से के माध्यम से इस पत्ते को हम लोग बाहर निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए ये टच अलग से दिए, इसमें हम लोग आसानी से टच को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टच को चेंज करने से पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी। मतलब हमको डिस्प्ले टच को दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जब अलग अलग करेंगे तभी हम लोग इसको चेंज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के लिए आपको रबड़ वायर है, इसको लेंगे, पंखा को बंद कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये गर्म रहे।
करेंगे इसको कटिंग करते समय हल्का सा वायर भी ये ले लेंगे, क्योंकि वायर से लेने से क्या रहेगा, जब भी ये रहेगा तुरंत कटिंग कर देगा। देखो ऐसे ऐसे आसानी से धीरे धीरे कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे, एक तरफ से ताकत लगाएंगे फिर इधर से ताकत लगाएंगे तो इधर ढीला कर देंगे। और जो लोग दोनों तरफ से ताकत लगा देते हैं तो दोनों तरफ से ताकत लगाने में क्या रहता है कि डिस्प्ले में धब्बा बन जाता है। मशीन को ऐसे उंगली लगा के भी रखेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग क्या करते रहेंगे, कटिंग करते रहेंगे। यहाँ कटिंग करते समय अगर आपने ताकत लगा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगी। ताकत का प्रयोग नहीं करना, धीरे धीरे जितना कटिंग हो रहा उतना कटिंग होने दो, कोई दिक्कत नहीं। वायर है तभी तो इतना दिया होता है कि अगर टूट जाएगा तो फिर दोबारा लगाओ। जैसे जैसे गर्म होता जाएगा थोड़ा सा ढीला होता जाएगा। ऐसे जितना कटिंग हो उतना काटो, ऐसे वायर ये महीन वाला होता ना इसलिए टूट जाता है, लेकिन वायर टूट जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा काम वो सेफ होना चाहिए। चाहो तो वायर इससे मोटा भी ले सकते हो, लेकिन मोटा लेने में ये रहता है कि फिर काम वो टूटेगा। हमको वायर थोड़ी ना बचाना है, हमको काम वो बचाना है। नीचे क्या होता है, काम्बो टूटा हुआ होता है तो जो कांच में जैसे ही हल्का सा फंसता है तो फट से वहाँ से वायर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसे थोड़ा सा 2 मिनट समय आपका ज़्यादा लग रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सेफ्टी से निकालना है। कैसे निकालना है, सेफ्टी से निकालना है। फिर हम लोग इस वायर को लेंगे,
हमने इसको सेफ्टी से क्या कर लिया, कटिंग कर लिया। सेफ्टी से कटिंग करने के बाद ये देखिए आपकी टच बाहर हो गई है, ये पूरा टूटा फूटा आइटम बाहर हो गया है ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कटिंग करने के बाद हम लोगों को ये चेक करना होता है कि जो हमने कटिंग करी है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको ये देखना है कटिंग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को लेंगे, फिर से चेक करेंगे। डिस्प्ले सही आनी चाहिए, उसमें धब्बा नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, इसी बात के लिए हम लोग इसको चेक करेंगे। फिर से चेक किया, अगर अभी भी अगर इसमें धब्बा आ रहा है तो ये खराब है, तो बेकार है, फिर हम कॉम्बो डालेंगे। देखिए आप देखिए पास में दिखाएं सबको, डिस्प्ले हमारा सही आ रहा है, डिस्प्ले में कोई धब्बा नहीं है, डिस्प्ले में कोई स्पॉट नहीं है, तो इसका मतलब 100% तरीके से हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, ये मशीन की हीटिंग है, हाँ वो क्या देर लगेगी, हाँ गर्म हो लगाए, क्या लगाए, इसको ऐसे हाथों से साफ करेंगे, सब पूरा साफ हो जाएगा। अगर नहीं साफ हो पा रहा है तो इसको इसमें रख के साफ करेंगे, किसमें साफ करेंगे, प्लेट में, थोड़ा हीट करते हैं, ये गर्म है देखो, तो इसमें रख करके साफ करेंगे तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। देखो ये ग्लू छूट रहा है, यहाँ पर आप ताकत का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे, आपने जैसे ही ताकत लगाई तो टूट टाट के बाहर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये आपकी जितनी सारी की हुई मेहनत, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। साफ करने का दूसरा तरीका है, एक इसके लिए साफ करने के लिए एक मोटर भी आती है, इस पर भी पता लगा डिस्प्ले खत्म हुई है, नहीं खत्म होती, हाँ तो वो तो करती है, कल लेके आएंगे इस पर है मोटर, काम से गुरु जी सब फिल्में कट जाती है, बढ़िया प्रति वो सब उनको खराब हो जाए, उसका मतलब ये कि जब आप वो चलाते हो ना, कटिंग वायर चलाते हो, तो कटिंग वायर चलाते समय तुम क्या कर देते हो, वहाँ पर मतलब सही से कटिंग वायर अंदर लगता नहीं है, तुम ताकत लगा देते हो, ताकत नहीं लगा रहता, एक तरफ ताकत लगाना एक तरफ हील करने का, जैसे मठा जैसे नहीं, पहले इसको हम लोग ऐसे ही साफ कर लेंगे, इसको आहिस्ते आहिस्ते साफ करेंगे, जल्दी नहीं करनी है सब ना, ये खुद ही छूटने लगता है आराम से, जल्दी तो स्क्रीन टूटेगी, जल्दी कितना कर लोगे, 2 मिनट जल्दी कर लोगे बस तोड़ने में, फिर पूरी मेहनत बेकार चली गई। डिस्प्ले खराब होने के 2 ही जगह पर चांसेस ज्यादा होते हैं, एक तो साफ करने में खराब हो जाती है, दूसरा डिस्प्ले काटने में खराब हो जाती है, या तो डिस्प्ले काटने में खराब हो जाएगी या तो साफ करने में ख़राब हो जाएगी। तो सफाई में आपको ताकत का प्रयोग नहीं करना है,
ग्लू लगा के नहीं साफ कर सकते हैं इससे? अभी नहीं, ये निकल जाता जब ये निकल जाता। अगर इसको निकालने में तुम ग्लू लगा दोगे तब तो वो चिपचिपा हो जाएगा, तुमको साफ करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हाथ में चिप चिप होने लगता है। ये जैसे गर्म होता जाता है सब छूटता जाता है। जब बहुत गर्म हो जाता है तो इसमें पकड़ने में दिक्कत होती है। इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं ओसीए। क्या बोलते हैं? टच के ऊपर लगी होती है ना? हाँ, टच के ऊपर लगी हुई जाती है। इसी के माध्यम से डिस्प्ले टच दोनों आपस में चिपक जाती हैं। डिस्प्ले टच आपस में चिपक जाती है तो उसकी मजबूती क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, क्योंकि बीच में गैप होता नहीं है। गैप नहीं होता तो हल्का सा दबाव पड़ता है तो ये ग्लू उस दबाव को एडजस्ट कर लेता है। देखिए साफ हो गए। इसमें ग्राफिक जाने का भी खतरा है? बिल्कुल, यहाँ पर हाँ, और बिल्कुल ऐसे चलाते हैं आराम से लगते हैं। हम लोग फिर से इसको एक बार चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि सफाई करने में हम लोगों ने सफाई कर दिया हो इसकी, क्योंकि कितना भी करो कुंद, अरे नहीं उसमें कोई बात नहीं होती, सबसे हो जाता है खराब। हंड्रेड परसेंट तो ऊपर से जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो भी नहीं है। सब में कुंद को शक्ति होती है, उसी तरीके से हर एक आदमी के पास में कुंद को शक्ति होती है। अब ये देखो डिस्प्ले हमारी बिल्कुल साफ सुथरी निकल आई है, ठीक। अब पूरा चालू हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें कोई धब्बा तो नहीं आया, इसमें कोई स्पॉट तो नहीं है, बस उसी समस्या को हमको देखना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें नया टच लगा देंगे। नया टच लगाने पर फिर से कॉम्बो बना देंगे, अब फोन हमारा रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर से फूटा हुआ था, इसको हमने हटा दिया। कंबो कराएगा तो सीधा ये पत्ता केवल लगा दो, सीधा बस पूरा पत्ता लगा दो। ये देखिए कोई धब्बा नहीं है, फर्स्ट क्लास सारा सब कुछ है। कहाँ स्पॉट है? नहीं वो कुछ नहीं है। ठीक, वापस जाएगा।
टच को पहले चेक कर लेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे ये करेंगे जो हम बाज़ार से लगा रहे हैं वो चल रही कि नहीं चल रही है। ऐसे लगा देंगे तो फिर वापस नहीं होगी है, चले चाहे ना चले सब हमारी है। अभी हम चेक करके लगाएंगे, तब तक ये उसी की है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, फिर से इसमें रखेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये चल रही कि नहीं चल रही। जब चल रही है तो कंफर्म हो जाएंगे कि ये सही है। पासवर्ड क्या है, हम लोग इमरजेंसी में चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 1 2 3 4 6 सब चल रहा है, ठीक है ना। देखो सब कुछ चल रहा है ना। अब पासवर्ड तो हमको पता नहीं है तो हम लोग पासवर्ड नहीं डाल सकते, लेकिन चल रहा है जैसे हमको ये क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, इसको भी अलग करेंगे, ये जो टच का पत्ता लगा इसको अलग करेंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें वो लगाएंगे OCS सीट, क्या लगाएंगे OCS, क्योंकि डिस्प्ले टच आपस में चिपकानी है। डिस्प्ले टच को आपस में चिपकाने के लिए हम लोग को OCS पन्नी लगाना होता है। ऐसे देखो इधर भैया, ये OCS पन्नी आती है, इसको हटा देंगे। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, पहली लेयर हटा दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इसमें लेमिनेशन करेंगे, क्या करेंगे लेमिनेशन की तरह करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे, उठा रहे हैं सर, रोलर ले आओ, इसमें देख लेंगे कोई पन्नी लगी होती तो उसको हटा देंगे। है इसमें कंपनी कई बार बहुत महीन सी पन्नी लगा देती है, लेकिन ध्यान देना कि पन्नी लगी हो तो ही हटाना है, पता चला टच को निकाल के फेंक दिया है। है लगी ना, देखो है एक लड़के ने पन्नी छुटाने के चक्कर में टच ही निकाल के फेंक दिया है ना, बहुत महीन सी फिल्म लगी होती है। अब देखिए ये, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे ठीक, ये चिपक गई। अब ब्लेड है, ब्लेड चाहिए, ब्लेड है ना, ये वाला ब्लेड, इससे आप ये जो साइड का इसको कट कर दोगे, ठीक। ये देखो चिपकन होती है, देखो पकड़ो, है चिपकन, हाँ इसमें दोनों तरफ चिपकन होती है। ठीक देखो इधर, इसमें ये बीच में ग्लू होता है, ये ग्लू ही उसको चिपका लेता है, ठीक। अब देखिए इसमें तो लग गई, अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले को इसमें फिट करना है। फिर से डिस्प्ले को अंदर डाल दीजिए, ये फ्रेम में डिस्प्ले फिट हो गई, बराबर बैठ गई। फ्रेम में हमेशा लग करके ही लगाना है, क्यों लगाना है,
क्योंकि फ्रेम में बराबर लगेगा, ऊपर नीचे तिरछा दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं नहीं होगा। अब आप कपड़ा दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लूँ। कॉटन है? कॉटन है। रुमाल लाओ। कपड़ा? हाँ। देखो इतना तो कपड़ा निकाला, वो भी गंदा। वो बहुत नया है। देखो इसको साफ करेंगे, ठीक? काम निकाला है बढ़िया। अब सिर्फ काम तो करो कम से कम। देख लो अब इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। जब ये साफ हो जाएगा, अब इसमें देखो हमने जब हटाई तो एक लेयर और लगी है, और इस लेयर को हटाएंगे। अब नीचे ग्लू नीचे रह जाएगा, देखो ये दिख रहा है, दोनों साइड लगी थी ना। हाँ, अब चिपकर नीचे रह गई है। अब इसको क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे एग्जैक्टली। अब बराबर पकड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे सेट करेंगे। किसको? ये जब बराबर सेट हो जाएगी तो कॉर्नर से सेट करना है। कैसे? कॉर्नर से। और कॉर्नर सेट करने के बाद अब जब कॉर्नर सेट हो जाएगा तो ऐसे कहीं भी एक दबाव दे देना है, थोड़ी सी चिपक जाए। ठीक, अब ये सेटिंग बन गई। अब आपको क्या करना है, निकाल लेना है और डिस्प्ले ऐसा निकालना कि डिस्प्ले भी निकले। चलो भाई तुम भी निकलो। इसमें इसलिए रखते हैं ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए, हल्का तिरछा पिछा इधर उधर ना हो ना ऐसे। अब आपको क्या करना, ऐसे ऐसे बोलते हैं पंचिंग करना। ये देखिए, अब ये फिर काम वो बन रहा है, वो जो बीच में पन्नी लगी थी वो पन्नी ही इसको क्या कर लेगी, चिपका रही है। इस पन्नी को ही हम लोग बोलते हैं ओसीए करना। क्या बोलते हैं? ओसीए करना। ये धब्बा धब्बा हो जाते हैं, ये सब धब्बा धब्बा सब मशीन निकाल देगी। अभी गर्म वाली मशीन में नहीं। अब हमारा ये काम वो बन गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस मशीन के अंदर डालना पड़ेगा। किसमें डालना पड़ेगा? मशीन के अंदर। मशीन के डालना पड़ेगा, फिर ये जो डब्बा दुब्बा है ये भी सब कुछ क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक, हम लोग इसको चेक करेंगे कि प्रॉपर ये हमारा कनेक्ट हुआ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक
पाँच मिनट का वहाँ पर रखना पड़ेगा। पाँच मिनट का बबल रिमूवर के अंदर डालना पड़ेगा। अब फ्रेम में रख करके जब आप इसको पंचिंग करते हो तो बिल्कुल बढ़िया पंचिंग होता है, एक भी टेढ़ा नहीं होता, तिरछा नहीं होता है, क्योंकि फ्रेम में बैठ जाता है। साठ सत्तर रुपये जाते हैं। दो चल रहा है पूरा। ठीक है बढ़िया चल रहा है, मतलब हमारा काम ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ठीक जी सर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्लू की सहायता से पहले इसको चिपकाएंगे। ये देखिए इसके लिए ग्लू आता है, इस ग्लू को ध्यान रखेंगे। ले लो इस ग्लू को, ध्यान रखेंगे कि हमेशा कभी सेंसर पे नहीं लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चिपकाएंगे। इसमें जाली नहीं लगी थी पहले भी, तो हम लोग इसको ऐसे रफ कर देंगे जिससे क्या हो जाएगा, अच्छे से भर जाएगा। उसके बाद आप इस LCD बेल्ट इसको लगा देंगे। LCD बेल्ट लगाने के बाद आप नीचे का UI लगा देंगे। इसको ड्राइवर देना। उधर देखो उस क्लास में लेके तो वहाँ नहीं तो रखा, देख लिया जाए।
इसको प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे। और स्क्रू ड्राइवर पड़े हुए हैं, और कोई है नहीं है। अब दीजिए ग्लू, इसका ये पीछे का बैक पैनल है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे जैसे खुला था वैसे इसको चिपका देंगे। चिपका देने के बाद एक बार हैंडसेट को चालू करके देखेंगे कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि समय पर सब चीज़ें ढीली होती हैं, अगर कोई दिक्कत काम नहीं करती तो हम लोग दोबारा खोल के चिपका सकते हैं। ये प्रॉपर हमारा फ़ोन फर्स्ट क्लास हो गया है, ये देखिए चल रहा है, काम कर रहा है, ठीक है जी सर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर टच को बदलते हैं, टच को रिपेयर करते हैं, उसको प्रॉपर कटिंग करते हैं। जब आप इसमें टच डाल देंगे तो टच डालने के बाद कम से कम मोबाइल फ़ोन को घंटे दो घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए, अच्छे तरीके से चिपक जाए। रबड़ में ध्यान देना, ज़्यादा दबाव नहीं देना वरना क्रिस्टल चला जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही कि हम लोगों ने सीखा है कि मोबाइल फ़ोन में टच को कैसे चेंज करते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।